वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी स्किल सक्सेस पर। फ्रेंड्स, आज की जो ये वीडियो है इसमें हम बात करेंगे सेवन्थ पे कमीशन के बारे में, यानी कि सातवें वेतन आयोग के बारे में। तो जो सातवां वेतन आयोग है वो चिकित्सक जो चिकित्सा संस्थान है उनमें भी लागू जो है वो कर दिया गया है। तो जब सातवां वेतन आयोग लागू चिकित्सक संस्थानों में लागू कर दिया गया है तो वेतनमान में भी बढ़ोतरी होगी। तो किन किन के वेतनमान में कितनी बढ़ोतरी होगी इसके बारे में जानेंगे आगे हम इस वीडियो में, और सेवन्थ पे कमीशन किन संस्थाओं में कहां पर लागू किया गया है उसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक, वीडियो को पूरा देखें, और साथ ही साथ हम आपको इसके बारे में जो नोटिस जारी हुआ है सेवन्थ पे कमीशन को लेकर उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना टाइम को वेस्ट किए। देखिए, लखनऊ की न्यूज़ है तो आप जान सकते हैं कि उत्तर प्रदेश विश्वविद्यालय आयुर्विज्ञान संस्था जो UPUMS में कार्यरत डॉक्टर, संकाय सदस्य और कर्मचारी सेफई में खुशी का कारण है, क्योंकि हाल ही में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनके भत्ते को अपग्रेड करने का निर्णय लिया है। इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स नई दिल्ली, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोला गया है कि जो भी चिकित्सा संस्थान है उनमें सातवें वेतन आयोग का क्रियान्वयन, इन संस्थाओं में डॉक्टर और कर्मचारियों की लंबे समय से लंबित मांग थी। अधिकारियों के अनुसार सरकार के फैसले से लगभग 200 डॉक्टर, 1200 कर्मचारी और 250 निवासी लाभान्वित हो गए, और इससे राज्य के खजाने पर प्रतिवर्ष 15 करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा, ठीक है, 15 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। उसके बाद बोला गया कि फैसले के बारे में पीटीआई को सूचित करते हुए, जो ये फैसला था उसके बारे में पीटीआई को सूचित करते हुए प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा रजनीश दुबे ने कहा, चार चिकित्सा संस्थानों संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट, राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी और UPUMS जिसे सरकार ने एम्स के बराबर माना, यहाँ अन्य तीन संस्थाओं को एम्स के बराबर वेतन और भत्ते मिल रहे थे, वहीं UPUMS को भी यह अब यही लाभ मिलेगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया है देख लेते हैं हम। आगे इसको लेकर बोला गया है कि SGPGIMS, KGMU और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चिकित्सा संस्था को इस साल अगस्त में वेतनमान दिया गया था। इस आशय की जानकारी स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने दी। सरकार ने SGPGI, KGMU, लोहिया सभी लखनऊ में हैं और नोएडा और सेफई सहित राज्य के विशेष अस्पतालों में 718 खाली पदों को भरने के लिए अनुबंध और डॉक्टरों को नियुक्ति करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है, यानी कि जो 718 खाली पद हैं उनको भी अब भरा जाएगा। इससे पहले जनवरी में SGPGI के संकाय ने एक विरोध प्रदर्शन शुरू किया था जिसमें एम्स नई दिल्ली के साथ समानता में सातवें वेतन आयोग के अनुसार उनके चिकित्सा भत्ते को अपग्रेड करने की मांग की गई थी, ठीक है। तो ये वो नोटिस है जो सरकार द्वारा जारी किया गया है। देखिए, कोई ये फेक न्यूज़ नहीं है सातवें वेतन आयोग को लेकर। ये देखिए, ये वो नोटिस है जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी किया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर आराम से बैठकर पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आज की न्यूज सातवें वेतन आयोग के बारे में, और 718 पदों पर जो खाली पद थे उनको भरने की मंजूरी भी मिल चुकी है। तो अब कुछ ही दिनों में जो ये 718 पद है इन पर आपको वैकेंसीज देखने को मिल सकती है। तो मेडिकल लाइन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खास अपॉर्चुनिटी है इस भर्ती को लेकर, और साथ में आप सभी को कॉन्ग्रेट्स, क्योंकि डॉक्टर और अन्य कर्मचारियों की लगातार चल रही स्ट्राइक को लेकर जो लखनऊ सरकार है, उत्तर प्रदेश सरकार है, उसने सातवें वेतन आयोग में बढ़ोतरी जो है वो कर दी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और नए वीडियो में एक और नई अदर इन्फॉर्मेशन के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।